तो देखो यार, सीन कुछ ऐसा है कि वैसे तो YouTube टाइम टाइम पे कुछ ना कुछ अपडेट करता ही रहता है, लेकिन अब की बार नए यूट्यूबर्स के लिए कुछ बढ़िया सा ही काम कर दिया इसने। बात करेंगे आज के इस वीडियो में, कुछ नए अपडेट आए हैं उनके बारे में। लेकिन उससे पहले आपको पता होगा YouTube का कुछ टाइम पहले एक अपडेट आया था जिसमें उसने डिसलाइक वाले बटन को हाइड कर दिया था। मुझे आज भी ऐसा क्यों लगता है पता नहीं यार कि वो रिवर्स होना चाहिए, वो अपडेट डिसलाइक वाला बटन दिखना चाहिए था यार, बढ़िया था, पता लगता था उससे। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस पर बताओ कमेंट बॉक्स में, लेट्स गो। सबसे पहला अपडेट, मान लो आपने किसी भी यूट्यूबर के साथ कोलैब करके कोई वीडियो बनाया, तो पहले आप क्या करते थे, भाई का चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप वहाँ से इनका चैनल चेकआउट कर सकते हो, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब कर सकते हो, इस टाइप से बोलते थे। लेकिन उसके बाद यूट्यूब ने एक नया ऑप्शन लेके आया यूट्यूब, जिसमें आप एट द रेट करके उसके चैनल का नाम डालते थे और फिर आप उसको मैंशन कर सकते थे वहाँ पर। तो उससे जैसे ही आप एट द रेट का यूज करके आगे उसके चैनल का नाम डालोगे, ऑटोमेटिकली वो हाइपर लिंक में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके चैनल के नाम पर टैप करते ही कोई भी बंदा बिना किसी लिंक के डायरेक्ट उनके चैनल पर जा सकता था। लेकिन इसमें दिक्कत वाली बात ये थी कि ये पहले मिला हुआ था सिर्फ उन लोगों को जिनके 1000 सब्सक्राइबर है या फिर उससे ज़्यादा है। फिर उसके बाद YouTube ने इसमें थोड़ा और चेंज करा, फिर ये आया 500 सब्सक्राइबर जिसके पास है उसको भी मिल गया था। लेकिन अभी इसमें बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है मतलब क्राइटेरिया, आपके अगर 0 सब्सक्राइबर भी है तो आप भी जैसे ही एट द रेट का यूज करके कोई भी चैनल का नाम डालोगे आगे, तो ऑटोमेटिकली वो हाइपर लिंक में कन्वर्ट हो जाएगा और वहाँ से आपके कोई भी व्यूअर है 1-2-50 जो भी है वो उस पर टैप करके डायरेक्ट उस सामने वाले बंदे के चैनल पर जा सकते हैं। तो बढ़िया बात है आई थिंक यार, किसी पे आप वीडियो बनाओ तो भी आप उसको एट द रेट करके मेंशन कर सकते हो उसमें, या फिर किसी के साथ कोलैब करो तो ज़बरदस्त फीचर है ये। दूसरा अपडेट, मान लो आप नॉर्मली यूट्यूब देख रहे हो, कोई वीडियो ऐसा आया आपके सामने जिसे देख के आपको लगा कि यार नहीं ये वीडियो यूट्यूब पे नहीं होना चाहिए, मतलब ये गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता या फिर 18+ है या बच्चों के लिए सही कंटेंट नहीं है, जो भी है आपने उसको रिपोर्ट करा, लेकिन बाद में यूट्यूब उसका क्या करता था आपको कुछ पता नहीं लगता था, हटाया नहीं हटाया क्या करा। लेकिन अभी अगर आप किसी वीडियो को रिपोर्ट करते हो और यूट्यूब उसको हटाता है, यूट्यूब मानता है कि हाँ वाकई इसको यूट्यूब पर नहीं होना चाहिए, तो वो प्रॉपर आपको मेल सेंड करेगा कि हमने आपके द्वारा रिपोर्ट किए गए इस वीडियो पर ये एक्शन लिया है पर्टिकुलरली, जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो ये भी एक नया अपडेट है। तीसरा अपडेट, अब से पहले सीन कुछ ऐसा होता था कि कोई बंदा लाइव कर रहा है, आप उसका चैनल सर्च करोगे, चैनल पर टैप करोगे, फिर अंदर जाओगे तो आपको वहाँ पर लाइव दिखाई देगा, या फिर उसका लाइव आपके सजेशन में आ रहा है ब्राउज फीचर में तो आपको दिखेगा। लेकिन अभी इसमें YouTube ने बहुत सही चेंज करा आई थिंक, और जो भी गेमिंग चैनल है जो रेगुलर लाइव स्ट्रीम करते ना उनके लिए ये ज़बरदस्त होने वाला है। मान लो आप किसी चैनल का वीडियो भी देख रहे हो तो नीचे उनके चैनल का जो आइकन बना हुआ आता है उस पर एक रेड कलर की रिंग बनी हुई आएगी, कहीं मैं इधर लगा दूंगा आप देख सकते हो, और उस पर लाइव लिखा रहेगा, तो उससे आप समझ सकते हो कि जिस बंदे का वीडियो मैं अभी देख रहा हूँ ये बंदा अभी लाइव भी है इस टाइम पे। और जैसे ही उस रिंग पे आप क्लिक करोगे या उस आइकन पे आप क्लिक करोगे, आप डायरेक्ट उस लाइव पर रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे जो बंदा अभी लाइव कर रहा है। तो जो भी लोग गेमर वगैरह है, ज़बरदस्त है ये फीचर सच में उनके लिए, उनके वीडियो के थ्रू बहुत सारी एंगेजमेंट बढ़ेगी उनकी लाइव की भी। और यही सेम ऑप्शन इन्होंने लागू कर दिया है स्टोरी पे भी, मतलब अगर आपके पास किसी बंदे की स्टोरी आई है और आपने उसको नहीं देखा हुआ तो वो भी रेड कलर के रिंग में आपको दिखाई देगी, और अगर आप उसको देख चुके हो तो फिर वो इस टाइप से नहीं दिखाई देगी, मतलब रेड कलर के रिंग से आप पहचान सकते हो कि हाँ इस चीज़ को मैंने नहीं देखा हुआ तो मैं इस पर टैप करके इसको देख लेता हूँ। तो बढ़िया ऑप्शन है ये, स्टोरी वैसे भी उन लोगों के पास भी जाती है जिन्होंने आपको सब्सक्राइब किया हो नहीं किया हो, YouTube भेजता है ऑटोमेटिकली। चौथा और फाइनल अपडेट आज का, मान लो आप नए यूट्यूबर हो, आपको अच्छे से बोलना करना नहीं आता है, कुछ भी गलतियां कर रहे हो अपने वीडियो में, तो कुछ एक ऐसे ज्ञानी लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा समझाएंगे भाई, यहाँ तक कि वो गालियाँ देने पे भी उतार हो जाते हैं। मान लो सीधा समझाता हूँ आपको, कोई बंदा है आपके चैनल पे गाली पे गाली 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 कमेंट किए जा रहा है, आपने उसको रिपोर्ट करना है या उसको ब्लॉक करना है अपने चैनल से कि वो कमेंट ना कर पाए, तो आप उसको ब्लॉक करते थे पहले, जो भी एक्शन होता था उस पर वो 48 आवर्स के बाद लिया जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, अभी सीन कुछ ऐसा है, आपने किसी बंदे को ब्लॉक करा अपने चैनल से, उसने आपके 200 और वीडियोज पे कमेंट कर रखा है और आपने किसी एक जगह से जाके उसको ब्लॉक करा, इमीडिएटली वो आपके चैनल से ब्लॉक हो जाएगा, उसके सारे कमेंट जितने भी कमेंट करे होंगे उसने आज या आज से पहले जितने भी वीडियोज पे, सारे कमेंट डिलीट हो जाएंगे, मतलब वो बंदा आपके चैनल से कम्प्लीटली गायब हो जाएगा। उसे दोबारा आना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा नई जीमेल आईडी बनाए उससे फिर आके कमेंट करे, तो आई थिंक इतना कोई नहीं करने वाला। तो ये ज़बरदस्त फीचर है यार, ये भी नए यूट्यूबर्स के लिए बहुत ही बढ़िया है। आई होप सो कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। ट्रेन फिर से आ रही है तो इससे पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूँ वीडियो को। बाकी इसके अलावा और कुछ पूछना हो, और कुछ बात करनी हो आपको, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर यहाँ कहीं अपीयर हो रहा होगा, डायरेक्ट सर्च करके भी आ सकते हो। मुलाकात होगी आपसे किसी और वीडियो के साथ एज सून एज पॉसिबल। लेकिन अब की बार नए यूट्यूबर्स के लिए कुछ बढ़िया सा ही काम कर दिया इसने, करेंगे कुछ, ट्रेन जाएगी तो कुछ करेंगे ना अपन यार, ये जाएगी तो मे बी अपन शूट कर पाए, पता नहीं यार सुबह सुबह इतनी ट्रेनें कहाँ जाती है भाई, जैसे ही ऊपर आता हूँ ना
कम से कम 4-5 तो जा चुकी है अब से पहले। चलो